अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:45 और बारिश रुक चुकी है। सुबह से कराची में बारिश हो रही थी और अभी रुकी है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था आप लोग को अपनी दो बहुत ही खूबसूरत वाइन्स दिखाने के लिए। ये देखिए, ये जो वाइन आप देख रही हैं जो बहुत खूबसूरत इस वक्त हो रही है, इसकी बहुत समझिए काफ़ी जानदार लग रही है। नीचे से निकली है और बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में ये वाइन खड़ी हुई है। यह है एस्पैरिगस फर्न की वाइन और जिसमें से कितनी ब्रांचेस निकली है आप ये देखिए कि इसकी ग्रोथ सब कितनी अच्छी हो रही है। और ये लगी हुई है एक प्लास्टिक के शॉपर में जो आपको पेज में दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होकर प्लांट रखे हुए हैं, काफ़ी गंद भी मची हुई है, इसलिए रोज़ाना तकरीबन बारिश हो जाती है और प्लांट जो हैं वो सफाई का बीच में उनको मौका ही मुझे नहीं मिल पा रहा। बीच में मैंने सफाई की थी लेकिन फिर वही बारिश हो गई। तो आप देखिए कि यह वाइन कितनी अच्छी है। ये है एस्पैरिगस फर्न की वाइन जो कि जनाब दो पॉट में मैंने यहाँ पर लगा रखी है, एक प्लास्टिक के शॉपर में और एक छोटे से 6 इंच के पॉट में। 6 इंच के पॉट वाली वाइन भी देखिए कितनी अच्छी होती हुई कहाँ तक चली गई है। और दूसरी आप देखिए ये वाली वाइन है, इसमें भी एक दो कुछ ब्रांचेज यहाँ से भी निकल के ऊपर आई हैं, काफ़ी गई हैं, कुछ यहाँ यहाँ फैलती हुई वहाँ तक चली गई हैं और आप देखिए कितनी अच्छी है। तो एस्पैरिगस फर्न की वाइन मैं कहती हूँ आप ज़रूर अपने घर में लगाइए, थोड़ा सा बच्चों से बचा के रखिएगा, इसलिए थोड़े थोड़े से इसमें कांटे से होते हैं लेकिन देखने में बहुत अच्छी होती है। बहुत जो है वो समझिए आप काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये हार्डी वाइन है और ईजिली लग जाती है, ये बात भी है। और कुछ भी आप काट दें ऊपर से, इसको आराम से डिवाइड कर लें, बहुत ईजिली डिवाइड जाती है। और आपको अभी मैं दिखाती हूँ इसकी एक और, देखिए मैंने लगा रखी है, वो लगा रखी है मैंने यहाँ पे और ये मैं आपको अक्सर दिखाती भी हूँ। ये एक लगी हुई है 14 इंच के पॉट के अंदर और ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती हुई देखिए यहाँ पर जा रही है। ये वाइन जो है वैसे तो धूप में लग जाती है डायरेक्ट सनलाइट में, लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको हार्डली 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, फिर तो ये बहुत ही अच्छी होती है। देखिए कहाँ से होती हुई, कहाँ से होती हुई, बीच में से ये होती हुई आपको दिख रही होगी, यहाँ आई है और यहाँ आके देखिए कितना ग्रीन लुक दे रही है ना, बहुत खूबसूरत वाइन और होती हुई यहाँ तक गई है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वाइन, आप ज़रूर आपको जब मौका लगे, आपके घर में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है या आती भी है तो उसको ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर थोड़ी देर के लिए धूप मिले, तो ये आपके गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी ऐड करेगी। इसके बाद इसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, नीचे से निकलती हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये बल्ब के जरिए ग्रो की जाती है। चलिए आपको दिखाऊँ अपनी दूसरी वाइन जो कि बहुत खूबसूरत है और ये है मेलेबल स्पिनच की वाइन जो कि जनाब हर तरफ फैलती जा रही है। उसके रेड स्टेम तो रियली बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखिए कहाँ से कहाँ गई हुई है। और जो मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारे बराबर वालों के घर में भी ये चली गई है, और मैं जाके अब चेक करूँगी कि वो कहाँ तक गई है। ये देखिए इसकी ब्रांचेस कितनी प्यारी हैं और कितनी रेड रेड है। तो मेलेबल स्पिनच के बारे में अक्सर आप लोग कहते हैं अब तो ये नर्सरी पर मिलने लग गई है और इसके सीड्स भी अवेलेबल हैं ना मुख्तलिफ शॉप्स पर, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसको ज़रूर लगाइए, एक तो ये डेकोरेटिव प्लांट भी आप इसको बना सकते हैं, एक तो हम एज ए वेजिटेबल भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए कैसे गई हुई है, ये देखिए आप देखिए कहाँ से कहाँ होती हुई मेरी, कहाँ गई है, पीछे गई है, पीछे से होती हुई यहाँ आई है, यहाँ से होती हुई आराम से मूव कर रही है। तो ये वाइन में फ्लावरिंग भी होती है, सीड्स भी बनते हैं, उसको आप लगा लीजिए और ईजली लग जाती है। बहुत ज़्यादा ये आपको आप समझिए आपके हार्डी प्लांट है बिल्कुल भी नहीं। तो ये प्लांट ऐसे दो वाइन ऐसी हैं जो ईजिली लग जाती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और अगर आप इसको ज़मीन पर लगा लेते हैं तो बिलीव कीजिए ये पूरे घर में अपने रेड स्टेम से खुद ब खुद, देखिए ये खुद ब खुद पकड़ के चढ़ रही है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये खुद ब खुद पकड़ के चढ़ती चली जाती है। जहाँ जहाँ इसको मौका मिलता है इधर उधर, आपको बहुत ज़्यादा इसको करना नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, हर वाइन को थोड़ा सा सपोर्ट देनी पड़ती है लेकिन ज़्यादा इसको नहीं करना पड़ता। मेरे चैनल पे इन सब के बारे में, इन दोनों प्लांट के बारे में काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं, इसलिए कि ये हर साल मेरे घर में लग जाती है ये वाइन और बड़ी प्यारी लगती है। वैसे तो ये सीजनल वाइन कहते हैं लेकिन अगर एक तरफ एक दफ़ा अच्छी तरह जड़ पकड़ लेगी आपकी ज़मीन में या पॉट में तो पूरे साल चलती रहती है। सर्दियों में थोड़े से इसके लीव्स झड़ जाते हैं लेकिन गर्मियों में दोबारा से ब्रांचेस निकल आती हैं। रियली ये दो वाइन बहुत प्यारी हैं और मैं अक्सर आप लोग को इन दोनों वाइन्स के बारे में बताती रहती हूँ कि इन दो वाइन्स को ज़रूर अपने घर में आप लगाइए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।